हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग अपने जो ब्लॉग को ऐड कर रहे थे उसको स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम लोग के प्रोजेक्ट में जो डिस्प्ले पार्ट जो होगा उसका लेआउट क्या होगा, और कुछ हिस्सा हम लोग डिस्प्ले का इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी हिस्से जो होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था, हम लोगों ने क्या कवर किया था, मैं आपको एक बार बता दूँ। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एड पोस्ट वाला पूरा कंप्लीट किया था विद अजैक्स। हम लोगों ने अजैक्स की एक रिक्वेस्ट मारी थी सर्वर को, और सर्वर से जो रिक्वेस्ट रिस्पांस आ रहा था उसको इंटरप्रेट करके हम लोगों ने चेक करके फिर एक सक्सेस और एरर मैसेज दिखाया था विद द हेल्प ऑफ स्वीट अलर्ट। तो ये सारा काम हम लोगों ने किया था। दैट मीन्स हम लोग का एड पोस्ट वाला मॉड्यूल भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को क्या करना है, जो पोस्ट हैं उनको डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज में दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका लेआउट क्या रखेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग अपनी प्रोसीडिंग वीडियोज में लाने आने वाले वीडियोज में हम लोग उसको फुल्ली कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। तो फ्रेंड, चलिए हम आपको बताते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट का लेआउट क्या रखने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि आप कैसा लेआउट रखना चाहते हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट का लेआउट अपने अकॉर्डिंग रखूंगा, आप अपने प्रोजेक्ट का लेआउट अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। बाकी कोई बना रहा है तो वो उसका प्रोजेक्ट है, वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेगा, या उसे करना भी चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचो, मैं एक डेवलपर हूँ, मुझे कैसी वेबसाइट चाहिए, या जो आपका क्लाइंट होगा उसको कैसी वेबसाइट चाहिए, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करोगे या आपका क्लाइंट डिसाइड करेगा जिसकी वो वेबसाइट है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, और सबका परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, सबका सोचने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। तो मान लो मेरी वेबसाइट है, मुझे एक मेरे वेबसाइट पे एक बैनर चाहिए। दैट मीन्स एक बैनर चाहिए, उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ब्लू चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा फेवरेट कलर ब्लू है। तो मुझे उस बैनर का बैकग्राउंड कलर ब्लू चाहिए। बट फॉर एग्जांपल, अगर वो वेबसाइट मेरे किसी क्लाइंट की होती, दैट मीन्स मैं किसी अपने कस्टमर अपने क्लाइंट की वेबसाइट बना रहा हूँ और मैंने अपने अकॉर्डिंग उस बैनर का कलर ब्लू रख दिया है, लेकिन वो मेरा फेवरेट कलर है, मेरे क्लाइंट का फेवरेट कलर नहीं है। तो अगर मान लो मैं पूरी वेबसाइट कंप्लीट करके अपने क्लाइंट के पास जाता हूँ और उसका फेवरेट कलर ब्लू नहीं है, और बाय चांस उसका जो ब्लू कलर है उसको सबसे बेकार लगता है, तो उसको वेबसाइट क्या लगेगी, बहुत ज़्यादा बेकार लगेगी। तो यहाँ पे अपने अपने तरीके हैं चीज़ों को करने के। किसी को कुछ और अच्छा लगता है, किसी को कुछ और अच्छा लगता है। क्या पता जो मैं यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ वो किसी को ना पसंद हो एकदम, बट किसी को बहुत अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबका अपना अपना तरीका है, आप खुद अपने तरीके से सोचिए और काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा काम, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारी यहाँ इतनी बड़ी स्क्रीन है यहाँ पे, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसमें पोस्ट को दिखाना चाह रहे हैं। दैट मीन जो पोस्ट यूजर्स ने किए, और फिलहाल बंदे ने लॉग इन किया है, तो उसको लेटेस्ट पोस्ट दिखने चाहिए, जो लेटेस्ट पोस्ट हो, और कैटेगरीज दिखनी चाहिए। जैसे वो कैटेगरीज पे क्लिक करके, इंटरेस्टेड कैटेगरीज पे क्लिक करके अपने पोस्ट को देख ले। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने लॉग इन किया और मुझे बहुत सारे पोस्ट दिख रहे हैं, ब्लॉगिंग दिख रही है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड दिख रही है, बॉलीवुड से रिलेटेड दिख रही है, बट मैं इंटरेस्टेड हूँ जावा प्रोग्रामिंग। तो मुझे कैटेगरीज दिखनी चाहिए, सर्च का ऑप्शन दिखना चाहिए, मैं जावा सर्च कर सकता हूँ, या फिर मैं जावा पे क्लिक करके सिर्फ जावा के लेटेस्ट पोस्ट को देख सकता हूँ। ठीक है, तो हमें कैटेगरीज भी दिखानी है और लेटेस्ट पोस्ट भी दिखाने हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैं सोच पा रहा हूँ मैं क्या करूँगा, मैं इस पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, 15% और 85% में डिवाइड कर सकता हूँ, या 30 and 60, 70 में डिवाइड कर सकता हूँ, ये आपकी मर्जी है। तो लेट सपोज हमने इस पेज को डिवाइड कर दिया है बीच से यहाँ पे। ठीक है, बीच से मैंने क्या कर दिया, इस पेज को डिवाइड कर दिया, दो हिस्सों में कर दिए। और मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, इधर अगर मैं सारे कैटेगरीज के ऑप्शन दिखा दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बटन हो जिसमें लिखा हो ऑल पोस्ट्स। ठीक है, ऑल पोस्ट, ये एक बटन होगी, जब ऑल पोस्ट पे क्लिक करेगा तो उसको राइट साइड में सारे पोस्ट दिखेंगे यहाँ पे। लेकिन और दूसरी बटन हो, जैसे यहाँ पे कैटेगरीज हो, जैसे मान लो यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग, ये पहली कैटेगरी हो, पहली कैटेगरी जो डेटाबेस में हो, उसके बाद दूसरी कैटेगरी हो यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग। अभी तो मैं ऐसे रफ समझा रहा हूँ, आप मैं जब करूँगा तो अभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, अभी जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। तो पाइथन प्रोग्रामिंग ये दूसरी कैटेगरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे पॉलिटिक्स भी रखा है, तो यहाँ पे
पॉलिटिक्स भी आ जाएगी तीसरी कैटेगरी। दैट मीन्स मैं आपको सिर्फ इतना समझा जा रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में हम लोग सारी कैटेगरीज दिखाना चाहते हैं और राइट साइड में जो कैटेगरी सेलेक्टेड हो उसका कंटेंट आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो फर्स्ट टाइम पेज को ओपन कर रहा है, लॉगिन कर रहा है, तो ऑल पोस्ट वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी। दैट मीन्स ऑल पोस्ट, उसको सारे पोस्ट दिखेंगे फर्स्ट टाइम। लेकिन जब बंदा जावा प्रोग्रामिंग पे क्लिक कर दे तो इधर सिर्फ राइट साइड में जावा प्रोग्रामिंग के सारे पोस्ट दिखें। उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग पे अगर क्लिक कर दे तो उसको सिर्फ राइट साइड में पाइथन के सारी चीज़ें दिखे, और अगर वो पॉलिटिक्स पे क्लिक कर दे तो सिर्फ राइट साइड में पॉलिटिक्स की सारी चीज़ें दिखे। दैट मीन्स यूज़र के पास पावर होनी चाहिए कि उसे देखना क्या है, और बाय डिफॉल्ट हम लोग सारी पोस्ट को दिखा देंगे। क्या पता वो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो रेंडमली सारी पोस्ट आ जाएंगे लेटेस्ट, या हम सफल करके भी दिखा सकते हैं बट टाइम के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं, वो आपकी मर्जी। उसके बाद हम सर्च का ऑप्शन चाहते हैं तो सर्च का ऑप्शन आप यहाँ भी दे सकते हो, बट वो सारी चीज़ें बात की बात है, सबसे पहले पोस्ट और कैटेगरीज दिखाएं। तो फिलहाल मैं अपने पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा और लेफ्ट साइड में सारी कैटेगरीज रखूंगा और राइट साइड में उन कैटेगरीज के पोस्ट रखूंगा। अब डिपेंड करेगा कि वो यूज़र ने क्या कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट की है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में क्या कर लेते हैं, हम लोग इस पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और लेफ्ट साइड में सारी कैटेगरीज को दिखा देते हैं, और राइट साइड वाला काम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ और हम लोग इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले इस पेज को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन है और हम चलेंगे अपने प्रोफाइल पेज पे। तो हम लोग प्रोजेक्ट पे आएंगे और अपने प्रोफाइल पेज को ओपन कर लेंगे सिंपली, ठीक है, अपने प्रोफाइल पेज को ओपन कर लेंगे और हम लोग आ जाएंगे बॉडी के अंदर जहां हम लोगों ने बॉडी बनाई थी। तो ये सब मॉडल चल रहा है, ऊपर आ जाइए, देखिए, ठीक है, ये सब मॉडल है। ये रहा नैब बार, यहाँ पे खत्म हुआ और यहाँ पे हमारा मैसेज खत्म होगा, यहाँ पे मैसेज खत्म हुआ। तो ये हमारी मेन बॉडी है, ठीक है, ये मेन बॉडी है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेन बॉडी ऑफ द पेज, ठीक है, मेन बॉडी ऑफ द पेज, और यहाँ लिख दूंगा एंड मेन बॉडी ऑफ द पेज, परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे और यहाँ एक टैग लगाएंगे, मेन टैग लगाएंगे, इससे जिससे हमें पता चल जाए कि भाई हम मेन के अंदर काम कर रहे हैं। और फिर मैं क्या करूँगा, देखिए, मैं एक और डिव लगाऊंगा, मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आप लोग को विजिबल हो जाए चीज़ें। तो यहाँ पर डिव और एक क्लास लगाऊंगा, क्लास कंटेनर, ठीक है, क्लास कंटेनर लगाऊंगा। अब ये कंटेनर क्या करेगा, 15% लेफ्ट से और 15% राइट से, और पूरा कंटेंट आपको सेंटर में ला के दे देगा। दैट्स इट, हम सेंटर में चाहिए चीज़ें। अब इस कंटेनर का जो सेंटर वाला हिस्सा है, दैट मीन्स इधर की चीज़ें छूटी, जो बीच का पोर्सन बचा आपका, उस बीच को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहा हूँ। तो मैं बनाऊंगा दो हिस्सों में, कैसे डिवाइड करूंगा, मैं सिंपली बना दूंगा एक डिफ रो, सिंपली मैंने एक रो बना लिया। अब इस रो के दो कॉलम रखूंगा, पहले मैं कैटेगरीज रखूंगा, दूसरे में सारे पोस्ट रखूंगा। तो फर्स्ट कॉलम बनाने के लिए आप सिंपली डिव लगाइए, क्लास और बूटस्ट्रैप ने कहा है कि भाई कॉलम बनाने के लिए आप कॉल लिखिए। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी स्क्रीन साइज यूज़ करना चाह रहे हो। तो मैं कहूँगा मीडियम, जैसे ये मीडियम और उसके ऊपर होगा तो ये रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे मीडियम पे हमें 4 और 8 में डिवाइड करते हैं। तो हमने कहा 4 में पहला कॉलम हो गया और सेकंड कॉलम को मैं दूंगा 8, और टोटल हमारे पास ग्रिड होती है 12। तो 4 ग्रिड इसके पास होगी और 8 ग्रिड इसके पास हो, तो ये वाला कॉलम थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, ये बड़ा होगा, इसकी विड्थ बड़ी होगी। तो सेकंड कॉलम में सिंपली आप इसी चीज़ को कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद जहाँ पे 4 है वहाँ पे 8 कर दीजिए, ठीक है। अब आपके पास दो कॉलम है और मैं कॉलम में करना क्या है ये चीज़ भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सारी कैटेगरीज दिखानी है, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज, और इस कॉलम में आपको दिखानी है पोस्ट। अब ये डिपेंड करेगा, हमें डायनेमिक कुछ ऐसा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि पोस्ट डायनेमिक हो, सबसे फर्स्ट बार में सारे पोस्ट हों, उसके बाद यूज़र जिस पोस्ट पे क्लिक करे उसके सारे पोस्ट आ जाएं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अभी। यहाँ पे हमें सारी कैटेगरीज निकालनी है, तो कैटेगरीज को कैसे लाएंगे और कैसे निकालेंगे ये सारी चीज़ें हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट एक लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे बूटस्ट्रैप पे, तो हम लिखेंगे बूटस्ट्रैप 4, और बूटस्ट्रैप से हम लोग क्या उठाएंगे, एक लिस्ट होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे लिस्ट उठा लेंगे यहाँ पे भाई, लिस्ट ग्रुप जिसे बोलते हैं, इस तरीके से स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरीके से। और नीचे आ जाइए तो यहाँ पे आपको दिखा देगा लिंक्स, ठीक है। तो हम ये वाली लिंक्स यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेंगे और आ जाएंगे यहाँ पे और कैटेगरीज के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है।
अभी इस लिंक्स में ही मैं कुछ दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो हम आएंगे अपना पेज रिफ्रेश करेंगे तो देख पाएंगे लिंक्स आपकी कुछ ऐसे दिख रही हैं, परफेक्ट है। अभी इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो हम लोग आएंगे अपने रो पे थोड़ा सा मार्जिन टॉप देंगे जिससे हमारी रो नीचे आ जाए। तो हम लोग आएंगे अपने रो पे और यहाँ पे लिखेंगे MT4, ठीक है, 4, और हम रिफ्रेश कर देंगे। तो देखिए ये जो कैटेगरीज है वो हल्का सा नीचे आ गई, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब कैटेगरीज में हमें ये कैटेगरीज नहीं दिखानी है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे ऑल पोस्ट, ठीक है। तो सारे पोस्ट बाय डिफॉल्ट सारे पोस्ट हैं, उसके नीचे ये जो चीज़ें हैं ये हमें नहीं दिखानी है, ये हमें डेटाबेस से लानी है, ठीक है। कौन सी डेटाबेस पे लानी है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली कैटेगरी थी जावा प्रोग्रामिंग, तो बस ऐसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हमें जावा से लानी पड़ेंगी। तो हम लिखेंगे जावा प्रोग्रामिंग, तो जैसे मैं जावा प्रोग्रामिंग लिख रहा हूँ वैसे करके जितनी भी कैटेगरीज यूज़र ऐड करेगा नीचे आती जाएंगी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाला हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कि ठीक है, परफेक्ट है। अब हम लोग कैटेगरीज को डेटाबेस से फेच करके यहाँ पे लाते हैं और कैटेगरीज को यहाँ पे दिखाते हैं। तो भाई डेटाबेस से कैटेगरीज को फेच करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली क्योंकि कैटेगरीज आपको यहीं पे चाहिए, यहीं पे कैटेगरीज चाहिए, तो कैटेगरीज आप पूरा जावा यहाँ लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्टलेट टैग। बट ये रिकमेंडेशन नहीं है, आप कुछ ऐसे जावा लिखो कि वो रियूजेबल हो, दैट मीन्स एक बार कैटेगरीज निकालने का अगर आप कोड लिख दो तो आपके पास ऐसी पावर होनी चाहिए कि आप वो कोड कहीं और जरूरत पड़े तो कहीं भी यूज कर लो। दैट मीन्स आपके पास कुछ चीजें रियूजेबल होनी चाहिए। जैसे जैसे मैंने गेट कैटेगरीज नाम का अगर मैं फंक्शन बना दूं तो वो फंक्शन यहाँ भी काम आ जाएगा और अलग अलग जगह जहां भी जरूरत होगी वहां भी काम आ जाएगा। तो हम लोग आएंगे अपने यहाँ पे आ जाएंगे अपने डाओ में, ठीक है, डाओ में आ जाएंगे और पोस्ट डाओ के अंदर एक और फंक्शन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए गेट ऑल कैटेगरीज नाम का फंक्शन ऑलरेडी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो फंक्शन ऑलरेडी है जो हम लोगों ने पिछले बना के रखा था, पिछले पिछले हम लोग जब हम लोगों ने पिछली बार की कोडिंग की थी तो हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया था गेट ऑल कैटेगरीज। तो अब क्या होगा, अब आपको दोबारा कैटेगरीज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही तो फायदा हुआ क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, कोड रियूजेबल है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है गेट कैटेगरीज काम में आ जाएगा, और ये फंक्शन शायद हम लोगों ने मॉडल में नीचे यूज भी किया था, ठीक है। तो हम लोग यही फंक्शन कॉल करेंगे गेट ऑल कैटेगरीज। तो आते हैं और हम लोग कॉल करते हैं गेट ऑल कैटेगरीज प्रोफाइल पेज में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं गेट ऑल कैटेगरीज, तो सिंपली आप लगाइए स्क्रिप्टेड टैग, ठीक है, स्क्रिप्टेड टैग, और यहाँ पे हमें कॉल करना है गेट ऑल कैटेगरीज और कैटेगरीज इसको कमेंट कर देते हैं। तो कैसे कॉल करेंगे, सबसे पहले आपको पोस्ट डाओ का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे पोस्ट डाओ, ठीक है, और लिख देंगे डी इज इक्वल टू न्यू पोस्ट डाओ, और इसे देना है कनेक्शन, तो हम लिख देंगे कनेक्शन प्रोवाइडर डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है। तो हमें कनेक्शन प्रोवाइडर क्या दे देगा, कनेक्शन दे देगा, और कनेक्शन मिल जाएगा, कनेक्शन आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब हम लोग डी पे कॉल कर सकते हैं डी डॉट गेट ऑल कैटेगरीज, डी डॉट गेट ऑल कैटेगरीज, तो हमें मिल जाएगी एरे लिस्ट ऑफ कैटेगरीज। तो हम लोग स्टोर कर लेंगे एरे लिस्ट ऑफ कैटेगरीज सिंपल, और हम लिख देंगे यहाँ लिस्ट वन, ठीक है, लिस्ट वन, क्या पता लिस्ट वन पहले से ली हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच लूप। तो हम लगाएंगे यहाँ फॉर, और इसके अंदर हम एक वेरिएबल लेंगे कैटेगरी टाइप का cc कोलन लिस्ट वन। याद रखिएगा पूरे पेज में वेरिएबल्स जो आप डिक्लेयर कर रहे हो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सी सी में एक एक कैटेगरीज आ जाएंगी, और हम लोग इसको लाएंगे बीच में, तो ये पूरा जो लिंक है कॉपी कर लेंगे और लूप के बीच में लाना है। तो हम लोग स्क्रिप्टेड टैग को बंद कर देंगे और फिर स्क्रिप्टेड टैग को ओपन कर देंगे और लिंक हम बीच में रख देंगे। तो होगा क्या, हर एक कैटेगरी के लिए ये जो लिंक होगी वो रिपीट हो जाएगी, और हम यहाँ पे बार बार जावा प्रोग्रामिंग नहीं दिखाएंगे, हम कैटेगरी का नाम दिखाएंगे। तो प्रिंट करने के लिए लगाएंगे स्क्रिप्टेड टैग, और हम लोग यहाँ लिख देंगे cc डॉट और गेट नेम, कैटेगरी का नाम डिस्प्ले हो जाएगा। सिंपल, सेव करते हैं और आके पेज को सिंपली रिफ्रेश करते हैं, ठीक है।
तो परफेक्ट, जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख पाओगे आपके होम पेज पे यहाँ पे सारी कैटेगरीज दिख रही हैं। सबसे टॉप पे ऑल पोस्ट दिख रहा है, फिर जावा प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, वेब टेक्नोलॉजी, डेटाबेस प्रोग्रामिंग। ये चीज़ें कहाँ से आ रही है भाई? ये चीज़ें डेटाबेस से आ रही हैं, और अच्छी बात है कि हम लोगों ने यहाँ होम पेज पे दिखा दिया है। तो अगर कोई लॉग इन करेगा बंदा, दिखाता हूँ, अगर कोई लॉग इन करेगा, ठीक है, तो एक बार मैं फिर से लॉग इन कर लेंगे, ठीक है, तो अगर कोई लॉग इन करेगा तो सबसे पहले उसे लेफ्ट साइड में ये सारी कैटेगरीज दिखेंगी, जितनी कैटेगरीज होंगी। अब यहाँ पे अगर बॉलीवुड आप ऐड कर दोगे आपके डेटाबेस में, तो यहाँ बॉलीवुड दिख जाएगा, जो भी कैटेगरी डेटाबेस में होंगी वो यहाँ पे सिंपली दिख जाएंगी। तो हमारा ये काम तो हो गया कि जिस सारी कैटेगरीज हम लोग ने लेफ्ट साइड में दिखा दी है। अब राइट साइड में बाय डिफॉल्ट तो आपको सारे पोस्ट लोड करने हैं, बाय डिफॉल्ट सारे पोस्ट लोड करने हैं, और उन पोस्ट को चेंज भी करना है जैसा जैसे यूज़र यहाँ पे चेंज करता जाए। जैसे मैंने जावा प्रोग्रामिंग क्लिक किया तो लेफ्ट राइट साइड में सारे जावा के पोस्ट डायनेमिकली आ जाने चाहिए। वेब टेक्नोलॉजी पे क्लिक किया, राइट साइड में वेब टेक्नोलॉजी की पोस्ट सारे डायनेमिकली आ जाने चाहिए। डेटाबेस पे क्लिक किया, डेटाबेस रिलेटेड सारे पोस्ट डायनेमिकली आ जाने चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, और डायनेमिकली विद द हेल्प ऑफ, हम थोड़ा सा हेल्प लेंगे अजैक्स की एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, जिसकी हेल्प से हम लोग का पेज रीलोड नहीं होगा, उससे आपकी प्रोग्रामिंग, आपकी वेबसाइट बहुत ही कूल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मुझे लगता है इतने रहने देना चाहिए, और अभी तक आप ये इंप्लीमेंट करिए, सीखिए प्रोग्रामिंग। ये सिंपल server.jsp का प्रोजेक्ट है, जो बहुत ही, अगर आप सीख गए तो आप बहुत ही सारी चीज़ें सीख पाओगे, प्रोजेक्ट को मैनेज करना सीख पाओगे, प्रोजेक्ट बनाना कितना आसान है, कोड जो आप लिख रहे हो वो रीयूजेबल कोड है। अभी मैंने आपने रीयूजेबिलिटी देखी, आपने एक बार गेट कैटेगरीज का कोड बना दिया था तो दोबारा आपको लिखना नहीं पड़ा, आपने उसी कोड को, अब उसी फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदा है अगर आप चीज़ों को फॉलो करते हो, कन्वेंशंस को फॉलो करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपका फ़ायदेमंद है। जैसे बोलूँ, अगर आप डिज़ाइन पैटर्न किसी को फॉलो करते हो, और अगर हमने आपको अलग से टॉपिक नहीं एक्सप्लेन किया MVC, बट जो हम लोग कोडिंग कर रहे हैं वो MVC की है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। आपने जो एंटिटीज बनाई है वो एक तरह के मॉडल्स हैं जो डेटा को होल्ड कर रहे हैं। इसी तरह JSP जो यूज़ कर रहे हो आप सिर्फ प्रिंट दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हो, दैट मीन्स वो व्यू का काम कर रहा है, एंड सर्विस जो है वो सारे कंट्रोलर का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप समझोगे अगर आप एक बिगिनर हो, सीख रहे हो तो, और प्रोग्राम प्रोजेक्ट बनाइए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी ही चीज़ें आप अच्छे से सीखोगे, प्रोजेक्ट बनाना सीखोगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।